बम भोले बम बम भोले। आज कैलाश पर्वत का वो पावन स्थान बड़ी धूमधाम से सजाया जा रहा है जहां पर भगवान भोलेनाथ जी रहते हैं। भाई सजाया भी क्यों ना जाए, आज हमारे भगवान देवाधिदेव महाकाल भोले शंकर का विवाह जो है, अब व्यास आदि वाले घर में चहल पहल और सजावट तो होती ही है। और जब बात चल रही हो त्रिलोकी नाथ भगवान शंभू के विवाह की, तो वहां की सजावट का तो कहना ही क्या है। आइए आज हम सभी चलकर शामिल होते हैं देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ भंडारी शिव शंभू ओगड़नाथ डमरू वाले के विवाह में। भोले जी चल दिए उमा जी को बिहाने को, भोले जी चल दिए उमा जी को बिहाने को, भोले जी चल दिए उमा जी को बिहाने को, का भोग लगाकर झूमते हुए भगवान त्रिलोकीनाथ नंदी पर सवार होने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, एक गण नरमुंडों की माला उनके गले में पहना देता है और दूसरा गण एक पात्र में भस्म लाकर सारी भस्म को महाराज नीलेश्वर के शरीर पर लगा देता है, जिससे उनकी सुंदरता में और अधिक निखार आ जाता है। भगवान नंदी पर सवार हो जाते हैं। के भांग धतूरा हुए वो तैया हो गए शिव जी देखो नंदी पर सवार, के भांग धतूरा हुए वो तैया हो गए शिव जी देखो नंदी पर सवार, नरमुंडों की माला पहन ली गले भस्म भूत लगा कर है आगे चले, लगे शिव जी को लगे शिव जी को दूल्हा बनाने को, लगे शिव जी को दूल्हा बनाने को, भोले जी चल दिए उमा जी को बिहाने को, क्या नंदी पर सवार होते ही बाबा भूतनाथ अपना डमरू जैसे ही बजाना आरंभ करते हैं, वैसे ही त्रिनेत्रधारी के गले की शोभा बढ़ा रहा भुजंगा नाग वासुकी नृत्य करते हुए झूमने लगता है और साथ में नंदी भी थिरकने लगता है, जिससे उसके पैरों में बंधे घुंघरू छम छम बजने लगते हैं। बारात में उपस्थित भूत अपने अपने वाद्य यंत्र बजाने लगते हैं, जिससे वातावरण ऐसा संगीतमय हो जाता है कि नृत्य करने के लिए उपस्थित सभी बरातियों के पैर थिरकने लगते हैं। भोले शंकर का जैसे ही डमरू बजा, नाग शिव के गले में है नाच उठा, भोले शंकर का जैसे ही डमरू छम छम नंदी भी ठुम
जश्न हर एक बराती मनाने।